Honorable Prime Minister, sir, the next question comes from Mysuru in Karnataka, renowned for its heritage destinations and national parks. Tarun MB, who is a class 11 student here, seeks a solution to his problem. Tarun, may we have your question, please? Good morning, sir. I am Tarun MB, studying in class 11th at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mysuru, Karnataka. I express my sincere gratitude in being given an opportunity to participate in the 5th edition of Pariksha Pe Charcha 2022. My question to our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is, sir, how can you see a student focus while studying online? Because there are so many distractions like YouTube, WhatsApp and other social media. It is very difficult to study online without disturbance. Sir, is there any solution for this? Thank you, sir. Thank you, Tarun. Honorable Prime Minister, sir, Sahid Ali, a class 10 student of Silver Oak School, Delhi Cantonment Board, is eager to ask his question on a similar subject. Sahid, please ask your question. Namaskar, Mahoday. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं साहिद अली सिल्वर ओक स्कूल दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 10वीं कक्षा का छात्र हूं। पिछले 2 वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू साहिद। ऑनरेबल सर, online education has challenged not only students but teachers too. Mr. Chandra Chudeshwaran M, a teacher from Krishnagiri, seeks guidance and direction from you. Sir, please ask your question. Namaste, Honorable Prime Minister sir. I am Chandra Chudeshwaran from the Ashok Leland School, Hosur, Tamil Nadu. My question is, as a teacher, conducting online teaching and learning has become a challenge. How best to phrase it, sir? Dhanyavad Mahoday. Thank you, sir. Honorable Prime Minister, sir, Tarun, Sahid, Kirtana, and Chandra Chadeshwarinder, sir, are all anxious about the online education has caused them to addicted to and distracted by social media during the last 2 years. Honorable sir, from different parts of the country, we have received many similar questions. Out of those, these are the selected ones that sum up everyone's concerns. I request you to please guide them, sir. मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या आप लोगों ने बताया कि कहीं इधर-उधर भटक जाते हैं? थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं? अब मैं आपको हाथ ऊपर नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझ गए। हकीकत में दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है। आप अनुभव किए होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसमें की बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए
ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है, और इसलिए हम जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे सदियों पहले, सहस्त्र वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो उस समय कोई किताब भी नहीं थी, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था, तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके, बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये और यही तो मानव जीवन की विशेषता है। तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि कभी हमने एक कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ टीचर ने इतना बताया था, मुझे इतना याद रहा था, लेकिन यहां दो चीजें मुझे अच्छी मिल गई हैं, अच्छे तरीके से मिल गई है, मैं दोनों का जोड़ कर दूंगा, तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे। ऑनलाइन का शिक्षा का एक हिस्सा है ज्ञान अर्जन करना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। मुझे कितना ज्ञान पाना है, कितना अर्जित करना है, मैं ऑनलाइन जाकर के दुनिया के जिस छोर से जो भी अवेलेबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा, इसको मैं अंगीकृत करूंगा। और ऑफलाइन जो मैंने वहां पाया है उसको पनपने के लिए मैं अवसर दूंगा। मैं ऑफलाइन उस जो चीजों को, मैं अब मान लीजिए यहां साउथ इंडिया के साथियों ने मुझे पूछा, आखिर में बड़ा कम करते हुए बात हुई, टीचर महोदय ने पूछा, तो मैं ये कहूंगा कि माँ ऑनलाइन आपने डोसा कैसे बनता है, कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब देख कर लिया, लेकिन पेट भरेगा क्या? बढ़िया से बढ़िया डोसा आपने कंप्यूटर पर बना दिया, सारे इंग्रेडिएंट का उपयोग कर लिया, पेट भरेगा क्या? लेकिन वो ज्ञान अगर आपने कोशिश की और डोसा बना दिया तो पेट भरेगा या नहीं भरेगा? ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें, आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है। शिक्षा का भी ऐसा ही है। पहले आपकी जो किताब है वो, आपके जो टीचर हैं वो, आपका जो सराउंडिंग्स है वो, बहुत सीमित साधन थे ज्ञान प्राप्त करने के, आज असीमित संसाधन। इसलिए आप अपने आप को कितना व्यापक कर सकते हैं, खुद का विस्तार कितना कर सकते हैं, उतनी ही चीजें आप उसको एडॉप्ट करते जाएंगे। और इसलिए ऑनलाइन को एक अवसर समझिए, लेकिन इधर उधर भटक करके काम करते हैं तो फिर टूल भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा आपके हर गैजेट में टूल है जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वार्निंग देते हैं, ये करो ये मत करो,
अब रुक जाओ, थोड़ी देर आराम करो, अब 15 मिनट के बाद फिर आना है, तो वो 15 मिनट के बाद आएंगे। आप इस टूल का उपयोग करके अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हो। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन इन टूल्स का मैक्सिमम उपयोग करते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दूसरा, जीवन में खुद से भी जुड़ना ये भी उतना ही महत्व है जितना आईपैड के अंदर घुसने में आनंद आता है, मोबाइल फोन के अंदर घुसने में आनंद होता है, उससे हजारों गुना आनंद अपने भीतर घुसने का भी होता है। तो दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन भी होंगे, इनर लाइन होंगे। जितना अंदर जाएंगे आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे संकट आपके लिए कठिनाई पैदा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें मूल मंत्र दिया कि जब हम एकाग्र मन होकर अपनी पढ़ाई करें तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। धन्यवाद महोदय। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।